आज का इस वीडियो में दुबई का गोल्ड मार्केट जिसका नाम गोल्ड शॉक मार्केट है, आज मैं आपको पूरा गोल्ड मार्केट का फुल एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोना है, ये जितना भी है ये सारा गोल्ड का है। ये भी गोल्ड का है भाई, ये देखो गोल्ड का रेट बताएंगे आपको, कितना गोल्ड का रेट है, वैट रिफंड क्या है, वो सब ये डिटेल्स में बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। हाउ मच फॉर गोल्ड रेट इन दुबई? 209। इतना तो सारा सोना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। हर जगह सोना है भाई, हर जगह। भाई ये गणेश जी देखो, गणेश जी देख के मैं खुश हो गया एकदम। गणेश जी है, लक्ष्मी माता भी है। भाई मैं फाइनली ले लिया हूँ सहिता के लिए, एक रिंग लिया हूँ। वीडियो बनाना चालू कर दिया कि ये वाला वैट रिफंड का है, आप यहाँ से रिफंड वगैरह करवा सकते हो, ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसे टाइप का वीडियो बना रहा था। तो सडनली एक यहाँ पे सिक्योरिटी आए, मुझे बोला है 20,000 dirham का फाइन देना पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नियदर ब्लॉग। एंड इस वाला ब्लॉग का शुरुआत फिलहाल मैं अभी यहाँ पे गोल्ड मार्केट है, गोल्ड मार्केट से किया हूँ। आज गोल्ड का रेट बताएंगे आपको, कितना गोल्ड का रेट है एंड कहाँ से कैसे खरीद सकते हो, वैट रिफंड क्या है, वो सब ये डिटेल्स मैं बताऊँगा ये वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे दिखाऊँगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला था सबसे बड़ा सोना का, वो भी कहाँ पे, वो भी मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी जहाँ से स्टार्ट किया हूँ, ये भाई अमेजिंग है। ये देखो भाई, ये जितना है सारा गोल्ड का है। और ये देखो मोहतरमा को भाई, मस्त है एकदम। गोल्ड मार्केट में आके भाई इतना तो सारा सोना कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, आज देख रहा हूँ। फिलहाल मैं बैग वैग लेता हूँ एंड चलता हूँ उस साइड पे। उस साइड पे आपको पूरा गोल्ड का मार्केट पूरा आज घुमाने वाला हूँ। यहाँ देखो भाई, ये देखो, जो भी देखोगे आप सारा गोल्ड का है। ये देखो भाई, एंड ज़्यादा सस्ती लगी तो मैं कुछ चेन वगैरह भी ले सकता हूँ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, देखता हूँ अगर चेन वगैरह अगर मुझे मिली सस्ती तो मैं ले लूँगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मुझे पूरा मार्केट घूमना है एंड पूरा मस्ती से एकदम पहले ब्लॉग व्लॉग बनाना है, उसके बाद देन मैं परचेस करूँगा। भाई ये देखो, सबसे बड़ा सोना यही है यहाँ का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, ये देखो भाई 63.8056 kg का है भाई। कितना महंगा, कितना बड़ा होगा सोचो इसका। यहाँ पे देखो ये वाला आप पढ़ सकते हो, ये देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोना है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है भाई। एंड कपड़े वगैरह है, काफ़ी शानदार है। ये देखो गोल्ड का है, ये जितना भी है ये सारा गोल्ड का है। ये भी गोल्ड का है भाई, ये देखो फर्स्ट टाइम मैं इतना देख रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा गोल्ड का मार्केट है। सही है भाई, इधर पे देखो वो तेरी की भाई, खतरनाक है भाई। ये जितना भी है ना सारा एकदम ओरिजिनल गोल्ड मार्केट है ये। ये देखो सो गाइस, अभी आ गया था मैं गोल्ड मार्केट पे। गोल्ड मार्केट का आज मैं एकदम एक्सप्लोर करूँगा, यह कहाँ पे है, कैसे आपको आना है, वो सारा इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंड ये अभी जो है ये वाला गोल्ड मार्केट है, ये देखो भाई इधर पे जहाँ पे भी देखो गोल्ड है, इस साइड पे भी गोल्ड है। ये तो शायद डायमंड है, डायमंड का भी है एंड गोल्ड भी है। तो आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हो। ये देखो भाई, एंड इस साइड पे भी आपका गोल्ड वगैरह है। ये देखो भाई सोने का जूता, खतरनाक है भाई, खतरनाक मस्त है भाई। गोल्ड का एकदम माला, बाला, रिंग, हर कुछ टाइप का आपको मिल जाएगा। काफ़ी मस्त है भाई दुकान में, इतना गोल्ड मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। भाई देखो मैं सोना का दुकान पे आ गया था एंड यहाँ पे जैसा टाइप का मांगोगे वैसा टाइप का यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इतना सारा सोना भाई कभी देखा ही नहीं था, मस्त है भाई। यहाँ पे रेट कैसे चल रहा है? नो हिंग्ली। हाउ मच फॉर गोल्ड रेट इन दुबई? 209 dirham भाई, मतलब आप कैलकुलेट कर लेना ×2 = 24 से। यहाँ पे देखो बहुत सारा सोना ही सोना है। ये देखो भाई, ये पता नहीं ये क्या है, अलग अलग डिज़ाइन का मिल जाएगा, यूनिक यूनिक डिज़ाइन का है, काफ़ी मस्त है। एंड इस साइड पे रिंग वगैरह है, इस साइड पे रिंग। एंड ये देखो भाई फ्लावर क्या मस्त है, इधर पे देखो, इस साइड भी देखो, काफ़ी मस्त है भाई। सोना का दुकान में आके मैं यहाँ पे पहले परमिशन ले लिया था वीडियो बनाने का कि मैं बना सकता हूँ, तो बोला हाँ बना सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ओके थैंक यू, तो मैं चलता हूँ दूसरे जगह पे, देखता हूँ 209 तो आप देखे होंगे। एंड अभी चलता हूँ दूसरे जगह पे, दिखाता हूँ आपको भाई। ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है,
पूरा एकदम नीचे तक है, लग रहा है ये कपड़ा जैसा लग रहा है एकदम, इतना बड़ा है ये। इस साइड पे देखो ये वाली काफ़ी शानदार खूबसूरत मस्त है भाई। यहाँ पे आओगे ना आप पागल हो जाओगे कि मैं कौन सा दुकान में जाऊँ कौन सा दुकान में ना जाऊँ, हर जगह सोना है भाई, हर जगह। ये एक्चुअली गोल मार्केट नाम ही है इसका, इसलिए गोल मार्केट बोल के फेमस है, किसी से भी पूछोगे बता देगा। ये गणेश जी देखो, गणेश जी देख के मैं खुश हो गया एकदम। गणेश जी है, लक्ष्मी माता भी है, राधा कृष्णा भी है भाई, हम लोग का भाई हिंदू लोग का भगवान भी इधर पे है, मिलता है भाई। ये बुद्धा भी है, लाफिंग बुद्धा भी है, एंड यहाँ पे देखो ये कछुआ को भाई, ये सब क्या मस्त डिज़ाइन का बना हुआ है ना, काफ़ी शानदार है यार। मुझे देख के खुश हो गया कि हम लोग का हिंदू लोग का यहाँ पे भगवान भी मिल रहा है, वो भी सोने का भाई, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आके आपको मिलेगा वो भी भगवान का, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। मैं गोल्ड शॉप में आ गया था एंड यहाँ पे मैं सविता के लिए कुछ कुछ रिंग देख रहा हूँ, मुझे पसंद आया है एक दो, तो वो मैं देख रहा हूँ रिंग वगैरह, एंड प्राइस वगैरह क्या है वो भी मैं बता दूँगा आपको। भाई मैं फाइनली ले लिया हूँ सविता के लिए एक रिंग लिया हूँ, प्राइस वगैरह बता दूंगा एंड वैट वगैरह कैसे रिफंड मिलते हैं वो भी बता दूंगा। भैया फिलहाल अभी उधर पे बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 15-16 हज़ार के रुपए का एक रिंग लिया हूँ मैं सिर्फ सविता के लिए, एंड आप अलग अलग टाइप का भी ले सकते हो। तो गाइज ये वाला है सविता गिफ्ट के, करूँगा वहाँ पर जाके, ये खोल के अभी नहीं दिखाऊँगा मैं, उधर पर सविता के लिए सरप्राइज रखूँगा, उसके बाद मैं दिखाऊँगा वहाँ पर, अलग ब्लॉग आएगा उधर का। तो गाइज़ मैं सविता के लिए ये रहा गोल्ड ले लिया हूँ, मैं वो जहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना वो वाला, वहाँ से मैं लिया हूँ सविता के लिए गोल्ड। एंड यहाँ पे रेट वगैरह क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ, 24 कैरेट का है, 233.50 धीरम, आप 24 कर सकते हो ये, और 22 कैरेट का है आपका 216.25 धीरम, वो भी 24 से इंटू कर लेना। एंड 18 कैरेट का है वो आपका रेट है 179.25 धीरम, मतलब आप उससे आप कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि कितना धीरम मैंने अभी पे किया है, कितना क्या है, आपको आज का रेट पता चल जाएगा। और गोल का क्या होता है, आज कम है कल ज़्यादा भी हो सकता है, फिर उससे भी कम हो सकता है, तो आप आके फिर देख लेना भाई, जिस दिन कम रहेगा उसी दिन लेना, आज फिलहाल मुझे कम ही लगा तो मैं ये ले लिया हूँ सविता के लिए। अंदर में रिंग वगैरह है एंड पेपर वगैरह भी है। तो वैट रिफंड क्या होता है वो मैं आपको एयरपोर्ट में बताऊँगा, एंड फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, मैं जाऊँगा नाव से उस पार जाऊँगा, देन वहाँ से मैं हॉस्टल में पैदल निकल जाऊँगा, बगल पे ही है, टेंशन नहीं है। एंड अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे ये सब देखो भाई, मसाले वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आपको, ये मसाला वगैरह है अलग अलग टाइप का, अलग अलग मसाला है, फ्लावर है भाई, अच्छा है, बहुत ही सुंदर है एकदम। ये देखो भाई आप चाहे तो ले सकते हो, टेंशन नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ मार्केट है, ये गोल्ड मार्केट, ये दायरा गोल्ड शॉप मार्केट है, आप किसी से भी पूछोगे दायरा जाना है दायरा गोल्ड मार्केट, वो कोई भी आपको बता देंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, आप जिधर पे भी रहोगे उधर से आप आ सकते हो, ये इधर दायरा मार्केट, दायरा गोल्ड मार्केट। यहाँ पे गोल्ड वगैरह का यहाँ पे ये सब देखो मार्केट लगा हुआ है, आप घर पर सजाने के लिए कुछ कुछ ले सकते हो, तो टेंशन नहीं है। ये देखो भाई क्या सुंदर है, यहाँ पर हर टाइप का मिल जाएगा जी, एकदम मस्त। यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल टाइप का आपको कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे घर पे सजाने वजाने के लिए, ये शायद परफ्यूम है ना, परफ्यूम है क्या, परफ्यूम है, ये परफ्यूम वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये है कारपेट वगैरह है, ये देखो काफ़ी शानदार है, हाथ से बने है क्या भैया ये सब, हाँ हैंडमेड है, सही है भाई। ऊपर देखो क्या मस्त है लाइटें वगैरह, और ये देखो डेट्स वगैरह दिखा रहा कि मैं ले लिया हूँ, बट आप आके ले सकते हो, गोल्ड मार्केट में आओगे यहाँ पे ऐसा दुकान वगैरह मिल जाएगा आपको। हाँ सबसे अच्छे, आपका दुकान का नाम क्या है, SMJU, SMJU दुकान पे आना, बोल रहे सबसे सस्ता मार्केट है, मुझे भी काफ़ी सस्ता ही लग रहा है यहाँ पे सब देख रहा हूँ जो जी जी जी, मेरा साइड से आओगे तो यहाँ पे आके बोल सकते हो जो भाई ब्लॉग व्लॉग देख के आया हूँ, तो भैया लोग कम कर देंगे, टेंशन नहीं है। ओके भैया थैंक यू, मेरा रोहित सरिता व्लॉग, ओके ओके।
तो भाई मैं अभी निकल गया हूँ यहाँ से, दुकान बोल रहे थे काफ़ी सस्ते है, चीपेस्ट मार्केट है ये गोल्ड शॉप में, तो आप आके यहाँ पे एक बार ले सकते हो भाई। मस्त मस्त है ये सब देखो, ये ऐसा आपको काइंड ऑफ मार्केट दिखेगा यहाँ से। इधर पे जितना भी गली में है सारा गोल मार्केट है, आपको छोटा मोटा दुकान वगैरह बड़ा बड़ा दुकान वगैरह मिल जाएगा आपको। ये देखो ट्रॉफी वगैरह भी है अंदर में, सही है। हेलो भैया, कैसे कैसे हो? एकदम हाँ भैया, यूट्यूब का क्या नाम है? रोहित सरिता व्लॉग। रोहित सरिता, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे सबको पूछते हैं यूट्यूब का क्या नाम है, तो मैं बोलता हूँ रोहित सरिता व्लॉग। बोलता है क्या, रोहित तो नाम ठीक है, सरिता फिर सरिता कौन है? मैं बोलता गर्लफ्रेंड है, बोलता वो कहाँ है, ऐसा करके पूछते भी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है शादी के बाद, हालांकि सरिता को भी लेके घूमूंगा, टेंशन नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। एंड यहाँ पे देखो भाई, इधर से इधर मार्केट थोड़ा कम है, एंड मेरे पीछे ज़्यादा था, ये वाला बैग में ढाल लेता हूँ कहीं गिर ना जाए। एंड इधर देखो भाई मार्केट ऐसा है। खैर जो भी हो, आओगे आप दुबई तो एक बार शॉपिंग वगैरह करके जाना अच्छे से। कर लिया हूँ भैया, ओके ओके। हाँ भैया जी, क्या नाम है आपका? हसन भाई, हमारा नाम हसन भाई। आप हाँ भाई को करो, फॉलो करो, ये कामयाब होएगा लग रहे। जरूर जरूर, केसर आपकी कुछ खिदमत करे। ले लिया भाई जान, आप कहाँ से भाई जान? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भाई, देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ भाई मिल गए। थैंक यू भैया जी, ओके। तो भाई अभी निकलता हूँ एंड लेता हूँ नाव वगैरह, उस पार जाता हूँ, देन हॉस्टल में जाऊँगा, बैग लूँगा, सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा। वेट का क्या सीन है नहीं, वो उधर पे जाके बताता हूँ आपको। तो भाई अभी मैं ले रहा हूँ नाव, आप गोल मार्केट से निकलते ये नाव वगैरह इधर पे मिल जाएगी आपको। आप मुझे जाना उस पार, मुझे एक धीरम पे करना है, मेरे पास 5 धीरम है अभी, मैं ये 5 धीरम दूँगा तो 4 धीरम मुझे रिटर्न देंगे। एंड ये देखो भाई, प्राइवेट भी जा सकते हो और शेयरिंग भी जा सकते हो, शेयरिंग जाना एक धीरम में हो जाएगा, प्राइवेट आपको 20 धीरम पे करने पड़ सकते हैं। तो भाई ये सही है, ये प्राइवेट शेयरिंग वाली। और भाई इस व्यूज़ का शानदार मज़ा लेते हुए चलते हैं उस साइड। जब से यहाँ पे रह रहा हूँ हॉस्टल में, तब से मैं यहीं पे खाता हूँ, खाना भी अच्छा है, चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। अभी मैं चिकन फ्राइड राइस 13 धीरम का लिया हूँ, अभी मैं अपना हॉस्टल में जाके खाऊंगा। काफ़ी अच्छा है खाना पीना, साफ़ सुथरा है। भैया से बाद में मिलाता हूँ मैं जाने के बाद, एंड फटाफट पैकिंग करके निकलता हूँ। खाना वगैरह इधर पर मैं हॉस्टल में जाके खाऊँगा। एंड ठीक है भैया, चलता हूँ, ओके। और एक भैया था, किधर गया पता नहीं, ओके। मैं यहाँ पर इतने से खाना खा रहा था, भैया चलता हूँ। ये भैया के साथ मैं, ये भैया नेपाल से, बहुत अच्छा लगा सर्विस वगैरह आपका, थैंक यू भैया। आते हैं आप, अभी मैं डे फ्रेश से निकल गया हूँ, मैं जाऊँगा हॉस्टल वगैरह में, वहाँ से मैं बैग वैग लूँगा, उसके बाद मैं सीधा निकलूँगा एयरपोर्ट। ऑलरेडी 3 बज चुका है, रात को 8 बजे मुझे मेरा फ्लाइट है, 3 घंटा पहले जाना पड़ता है। ये है गाइस डे एंड फ्रेश, यहाँ पर आके एक बार ट्राई करके जाना, चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट खाना मिलता है गाइस, मतलब आपको 200-300 रुपये तक में अच्छे खाने मिल जाएंगे, पूरा पेट भर के, आप मतलब उतना भी नहीं खा पाओगे। तो फिलहाल मेरा हॉस्टल का ये आसपास का सीन कुछ ऐसा है, ये बिल्डिंग के बाद मेरा हॉस्टल है, मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा। एंड ये शायद पार्किंग वगैरह है, तो फिलहाल मैं अभी चलता हूँ फटाफट मैं हॉस्टल में, ऑलरेडी मेरा बहुत लेट हो चुका है, खाना वगैरह खाऊंगा, देन फटाफट मैं फ्रेश होकर निकल जाऊँगा। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कर लिया, टिकट वगैरह मिल गया, वैट रिफ़ंड भी मिल गया,
यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया, आने का टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे, एंड वीडियो वगैरह मैं बनाते बनाते गया, बट एक्चुअली वही एयरपोर्ट में थोड़ा वीडियो थोड़ा आप देख के बनाना, इमिग्रेशन का उस टाइम पे आप नहीं बना सकते हो, एंड आप जब चेकिंग वगैरह था उस टाइम तो हर जगह नहीं होता है, एंड वैट रिफंड जो होता है वैट रिफंड, वहाँ पे मैं रिफ़ंड के लिए गया, मैं रिफ़ंड वगैरह किया, मुझे पैसा रिफ़ंड भी हो गया, वो मेरे क्रेडिट कार्ड में हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका उस पर वीज़ा जो भी कार्ड है उस पर आपका रिफ़ंड हो जाता है, तो वो क्रेडिट कार्ड मांगेंगे, आपको कैश नहीं देगा, आपको अकाउंट में रिफ़ंड होगा, मतलब कार्ड जो रहेगा उस पर रिफ़ंड होगा। तो मैंने कार्ड वगैरह सब कुछ दिया, मुझे 4 से 5 दिन बोला गया है टाइम जो रिफ़ंड हो जाएगा, कार्ड नंबर लिख लिया है, प्रोसेस वगैरह ऑल एवरीथिंग डन हो गया है मेरा, बट मैं क्या किया, मैं वो सब क्लियर करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता मेरे वीडियो के थ्रू, देन मैं उस टाइम में वीडियो बनाना चालू कर दिया कि ये वाला वैट रिफ़ंड का है, आप यहाँ से रिफ़ंड वगैरह करवा सकते हो, ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसे टाइप का वीडियो बना रहा था। तो सडनली एक यहाँ पे सिक्योरिटी आए, बोला क्या, जो पता नहीं इंग्लिश भी नहीं बोले थे, उसका अलग टाइप का लैंग्वेज था, पता नहीं क्या अरेबिक में बोल रहे थे शायद, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बोला क्या यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तुमको परमिशन कौन दिया। तो भाई मैं पूरा डर गया, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वैट रिफ़ंड कैसे मिलता है, अपने कार्ड पे कैसे मिलता है, ये वो करके बोला था, बट वो नहीं मानेगा इस, तो फिर मुझे लेके चले गए उधर, फिर मैं बैग वैग लेके पासपोर्ट लेके उधर चले गए, मेरे पासपोर्ट का फ़ोटो लिया एंड मेरा कैमरा वमरा चेक करने लगे, तो मैं सोचा कि मैं तो गया भाई, मुझे बोला है जो 20,000 दिरहम का फ़ाइन देना पड़ेगा, भाई 20,000 दिरहम का भाई, तो उससे अच्छा मेरा कैमरा ले लो, मेरा फ़ोन ले लो, 20,000 दिरहम मैं नहीं दे सकता, बोला कि अगर नहीं दे सकते हो तो तुम हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी के पास अंदर में लेके जाऊँगा, वहाँ पे वो लोग जो करना है करेंगे, ऐसा करके डरा दिया पूरा भाई, मतलब एकदम ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो फिर लास्ट में मैं सॉरी वरी बोलने लगा, फिर मैंने वीडियो वगैरह पहले का भी कुछ कुछ वगैरह डिलीट कर दिया। तो भाई आप लोग को यही बोलूँगा कि आप अगर आओगे तो वैट रिफंड का वहाँ पे कैसे क्या करता है, भाई दुबई एयरपोर्ट पे आप जब इन करोगे डिपार्चर के टाइम, उस टाइम में भाई वीडियो मत बनाना, आप डिपार्चर कर लो, चेक इन कर लो, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप जब फ्लाइट पकड़ोगे अपना गेट के पास, तब आप वीडियो बना सकते हो। मुझे हालांकि मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जो वो पूछ के बनाया तो बोला हाँ इस साइड पे आप बना सकते हो, तो भाई ये वाला ख्याल रखना।